डियर स्टूडेंट, बीएसटीसी फर्स्ट और सेकंड ईयर दोनों के लिए आज एक टॉपिक है जो कि आपकी मोस्ट कॉमनली एग्जाम में आते जाता है, जो कि सीसीए और एक एनसीएफ है। एनसीएफ का भी मैं अभी आपकी नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूंगी। तो ये जो है सीसीए, दो तीन बच्चों ने मुझसे पूछा था कि आप सीसीए को वापस आप इसे एक्सप्लेन कर दीजिए एक बार। तो मैं सीसीए का वीडियो आपको बताया जो फर्स्ट या सेकेंड ईयर दोनों में है, दोनों में ही आता है, तो दोनों की क्लास के लिए तो आपके एग्जाम होने से पहले आप इसको देख लेना। तो सीसीई जो है वो तीन वर्ड से बनके बना है और ये आपके क्वेश्चन पे आता है कि कितने इसमें वर्ड्स हैं। तो आपको तीन शब्द बताने हैं, सी सी सी, आप इसको काउंट कर लेना, सी सी सी, यानी कि टोटल तीन शब्द हैं। तो सीसी जो स्टैंड करता है वो आपका कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंशन एवैल्यूएशन है, जिसको हिंदी में हम सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के नाम से जानते हैं। तो सीसी का क्या रोल है इंग्लिश के अंदर, वो जस्ट आपको एक मैं बता रही हूँ कि इसका मीनिंग क्या है और ये किस लिए इंट्रोड्यूस किया आया गया या फिर अस्तित्व में ये क्यों आया गया हमारे इंग्लिश में या हमारे टीचिंग के अंदर, तो उसके आरंभ के रास्ते थोड़ा सा हम देख लेते हैं। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ सीसी, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंशन एवैल्यूएशन, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। CCE is a pattern of educational proposed to reduce the burden of examination and fear the labels poor, fail, slow, etc. जो CCE एक एजुकेशन का एक ऐसा पैटर्न है जिसको इंट्रोड्यूस इसलिए कराया गया या जिसको अस्तित्व में इसलिए लाया गया ताकि जो एजुकेशन का जो एग्जामिनेशन का एक बर्डन होता है जिसमें बच्चों को बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती है और पढ़ने के बाद भी उन्हें जो लेबल मिल जाते हैं, जो उन्हें टैग लग जाता है फेल का, पुअर का और स्लो लर्नर का, तो उन टैग से उनको मुक्ति मिल सके और जो एग्जामिनेशन का जो बोझ है उससे वो दूर हो सके, इसलिए सीसीई को एजुकेशन में इंट्रोड्यूस कराया गया। फिर है इट ऑल्सो इमर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल टू टेस्ट द चैलेंज कंटेंट ऑफ अ टास्क एंड एक्सेप्टिंग चाइल्ड एज एन इंडिविजुअल आइडेंटिटी, यानी कि इसके कुछ प्रिंसिपल दिए गए टू टेस्ट द चाइल्ड इन कंटेंट ऑफ अ टास्क, उसको एक टास्क की तरह कंटेन में उसका टेस्ट किया जाए एंड एक्सेप्टिंग चाइल्ड, और जो चाइल्ड उसको एक्सेप्ट किया जाए उसकी जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी है उसके साथ में। जैसे मान लीजिए कुछ विद्यार्थी जो होते हैं वो क्लास के अंदर तो अपनी ठीक से परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं, वो कुछ सब्जेक्ट में अच्छे होते हैं तो कुछ सब्जेक्ट में एकदम पुअर होते हैं और कुछ होते हैं जो एकदम स्लो लर्नर होते हैं। तो सीसीई का जो कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंशन इवैल्यूएशन, यानी कि शुरू से लेकर जब वो क्लास में आ रहा है उसकी ओवरऑल एक्टिविटीज से लेके स्टडीज से लेके सभी चीज़ों का इवैल्यूएशन हो, ताकि जो एग्जामिनेशन का जो बोझ होता है उसके ऊपर जिसके बाद उसको टैग मिल जाते हैं स्लो, पुअर या फेल, उससे उसको मुक्ति मिल सके और उसका ओवरऑल इवैल्यूएशन भी हो सके। तो इसलिए सीसीई को यहाँ पर टीचिंग में शामिल किया गया। नेक्स्ट जो है कंटिन्यूस, इसमें जो मेन जो बात बताई गई हमारी कंटिन्यूस और कॉम्प्रिहेंशन, तो कंटिन्यूस जो रिफर करता है रेगुलरिटी से, रेगुलरिटी यानी कि लगातार होने वाली प्रक्रिया, लगातार जैसे रेगुलरिटी इन असेसमेंट एंड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक विच हेल्प चिल्ड्रन टू लर्न बेटर, यानी कि ऐसा लगातार एक ऐसी चलने वाली प्रक्रिया जो कंटिन्यूस है उसको हम एक लगातार जो असेसमेंट होता है जिसके अंदर हम जो फीडबैक होते हैं कि स्टूडेंट का उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं यानी उसके फीडबैक को बनाते हैं, जो कि विद्यार्थियों को हेल्प करता है आगे बढ़ने में, तो वो यहाँ पर कंटिन्यूस से हमारा मतलब होता है रेगुलरिटी इन प्रोसेस, इन प्रोसेस टू असेसमेंट एंड कंस्ट्रक्ट फीडबैक विच हेल्प द स्टूडेंट्स इन लर्निंग, यानी कुछ सीखने में वो विद्यार्थियों की मदद कर सके। नेक्स्ट जो है हमारा कॉम्प्रिहेंसिव, अब कॉम्प्रिहेंसिव जो है हमारा कॉम्प्रिहेंसिव जो इम्प्लाइज करता है दैट ऑल एस्पेक्ट ऑफ अ चाइल्ड्स पर्सनैलिटी, यानी सिर्फ उसका एक पक्ष नहीं देखना एस्पेक्ट, यानी कि किसी एक चीज़ को या एक क्षेत्र को ना देखते हुए उसके सभी एस्पेक्ट को देखिए, चाइल्ड की जो संपूर्ण मतलब एक पर्सनैलिटी व्यक्तित्व होता है हैव टू बी ऑब्जर्व, यानी उसकी संपूर्ण पूरी पर्सनैलिटी को ऑब्जर्व किया जाता है ना कि सिर्फ एक पक्ष को ऑब्जर्व किया जाता है, दैट इज कॉग्निटिव अफेक्टिव एंड कंडीशन, यानी कि कल मैंने बीएड में एक सब्जेक्ट पढ़ाया था करिकुलम, जो करिकुलम को पाठ्यक्रम में आइडलिज्म आदर्शवाद से जोड़ा गया, तो आदर्शवाद कहता है कि जो करिकुलम है वो ह्यूमन बिहेवियर पे बेस्ड होना चाहिए, क्योंकि ह्यूमन के जो आइडियाज होते हैं जो उनकी वैल्यूज होती वो होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिद्धांतों पर चलकर ये शिक्षा नहीं ली जाती जब तक वो सिद्धांत, जब तक कि वो शिक्षा व्यवहारिक ना हो, क्योंकि गांधी जी ने भी कहा है शिक्षा वो होती है जो मनुष्य को जीना सिखाती है। तो यहाँ पे
चीज़ों को मतलब कि जो यहाँ पर कॉम्प्रिहेंशन का मतलब हो गया उसको थोड़ा ब्रॉड करना, ब्रॉड करके उसको हिस्सों में बांटना। जैसे कि वहाँ पर जो क्या था करिकुलम में तीन भागों में बांटना, तो उसी तरह से यहाँ पर तीन भाग देंगे। कॉग्निटिव का मतलब होता है जिसके अंदर आपको कोई अभिव्यक्ति कर सके, जैसे ज्योग्राफी सब्जेक्ट है आपका, साइंस है और लिटरेचर है जिसमें अभिव्यक्ति हो, अनुभूति हो, किसी चीज़ को अनुभूति कर सकते हो, उसके आधार पर अफेक्टिव हो, जो रुचिपूर्ण हो, जैसे कि आपके आर्ट है। और उसके अलावा कनेक्शन है, यानी कि कनेक्शन यानी वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जिससे विद्यार्थी करके कुछ कार्य सीख सके, जैसे कि आपका होम साइंस। तो उसके आधार पर यानी कि तीन चीज़ों के आधार पर सब्जेक्ट को डिवाइड करना ताकि विद्यार्थी ब्रॉड होकर इन चीज़ों को कार्य कर सकते। तो कॉम्प्रिहेंशन का मतलब ही होता है ब्रॉड होना, यानी कि सतत एवं व्यापक, यानी कि संपूर्ण चीज़ों को मिलाकर जो इवैल्यूएशन किया जाए, यानी कि लगातार एक तो इवैल्यूएशन हो और ब्रॉड स्तर पर हो, यानी कि छोटे स्तर पर ना होकर विद्यार्थी के संपूर्ण पक्ष को देखा जाए, तो वो आपका सतत एवं व्यापक मूल्यांकन यानी कि कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंशन इवैल्यूएशन कहलाता है। Thus, evaluation has to be completed, integrated with process of teaching and learning to make it continuous. तो evaluation ऐसा हो जिसके अंदर completely एक ऐसा प्रक्रिया चले जो teaching हो, शिक्षण कार्य भी हो, साथ में शिक्षण कार्य के साथ साथ सीख सके और वो उसको इस चीज़ को continuous कर सके, यानी लगातार अपने जो कंटिन्यू जो चीज़ें चले उनके साथ में आत्मसात हो सके, तो वो हमारा CCE कहलाता है। तो ये आपका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके फर्स्ट ईयर BSc के फर्स्ट ईयर में भी आता है और सेकंड ईयर में भी आता है, तो आप उसको देख लीजिए। यदि आपको फिर भी इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझसे पूछ लेना, इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन होते हैं, जैसे व्हाट आर द एम्स ऑफ CCE, ये इम्पॉर्टेंस ऑफ CCE और व्हाट आर द इम्पॉर्टेंस इन टीचिंग इन CCE, तो ऐसे तीन चार क्वेश्चन होते हैं, वो आप थोड़ा देख लेना उसको। यदि आपको नहीं समझ में आता तो आप प्लीज़ मुझे बता देना, मैं फिर से आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करके बता दूंगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।